क्वांटिको स्टार हॉलीवुड में हिंदुस्तान के लिए नाम कमा रही प्रियंका चोपड़ा फिर आ गई हैं बड़े पर्दे पर लेकर अपनी नई फिल्म जय गंगाजल। फिल्म की स्टार कास्ट है प्रियंका चोपड़ा, प्रकाश झा, राहुल भट्ट एंड मानव कौल। प्रियंका इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ फियरलेस पुलिस ऑफिसर आभा माथुर, जो एक करप्ट पॉलिटिशियन के लिए सरदर्द बन जाती है। दैट पॉलिटिशियन इज बीइंग प्लेड बाय मानव कौल। मानव इज डूइंग गुड एज अ विलन, प्रियंका इज डूइंग वेरी गुड एज द कॉप। प्रियंका ने कहीं भी मैनली होने की कोशिश नहीं की, प्रियंका ने अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभाया है। एंड आफ्टर ऑल प्रियंका जब हॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, तो उनकी एक्टिंग को अब ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा ऐसा हमें लगता है। बट स्टिल प्रियंका हैज डन अ गुड जॉब। सिमिलरली प्रकाश झा ने इस बार अपनी फिल्म में एक्ट करने की कोशिश की है। प्रकाश झा से उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थी, ही हैज डन अ प्रीटी गुड जॉब। लेकिन फिर भी प्रकाश झा कहीं कहीं नाना पाटेकर के लुक अलाइक नजर आ रहे हैं। प्रकाश झा इज वेरी गुड बिहाइंड द कैमराज बट नॉट सो गुड इन फ्रंट ऑफ देम। सो प्रकाश झा की कोशिश उतना रंग नहीं लाएगी। प्रियंका चोपड़ा ने जो किया है वो लोगों को पसंद आएगा, लेकिन फिर भी क्या पब्लिक थिएटर्स तक एक टोटली हीरोइन सेंट्रिक फिल्म देखने पहुंचेगी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जय गंगाजल 100 में से आपके 60 रुपए आराम से वसूल करा सकती है। अगर प्रियंका की जगह ये पुलिस वाला रोल सलमान खान ने किया होता तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स फिर टूट सकते थे। बट दिस टाइम थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट। हम उम्मीद करते हैं कि प्रियंका की इस फिल्म को ऑडियंस बहुत ज्यादा नसीब हो थिएटर्स में। 150 मिनट की ये फिल्म अपने थिएटर्स में देखने जाएं एंड एंजॉय दिस पुलिस एंड पॉलिटिकल ड्रामा डायरेक्टेड बाय प्रकाश झा, जय गंगाजल।